नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 13 नवंबर को 7 सीटों पर एक साथ मतदान होगा, तो वहीं प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 23 नवंबर को काउंटिंग के साथ पूरा होगा। 11 नवंबर को शाम 5 बजते ही जहां चुनावी शोर थम गया था, तो वहीं प्रत्याशी और उनके समर्थक अब घर घर जाकर वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दोनों ही प्रमुख पार्टियों के दिग्गज इस समय सोशल मीडिया पर अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को तीसरे मोर्चे के साथ ही निर्दलियों ने काफी रोमांचक बना दिया है। एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े दो युवाओं को आखिरकार किरोड़ी लाल मीना ने 50 घंटे की बाद समझाइश कर नीचे उतार लिया है। रविवार दोपहर 1 बजे पानी की टंकी पर चढ़े युवाओं से मिलने के लिए किरोड़ी लाल मीना अपने भाई जगमोहन मीना के चुनावी प्रचार को छोड़कर जयपुर पहुंचे और करीब 1 घंटे तक पानी की टंकी के नीचे से समझाइश करने के बाद किरोड़ी लाल मीना खुद पानी की टंकी पर चढ़े और युवाओं को नीचे उतारा। इसके साथ ही सीएम भजन लाल शर्मा से मुलाकात करवाने का आश्वासन भी दिया। 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले राजनीति थोड़ी गर्मा गई है। बीते दिन सीएम भजन लाल शर्मा द्वारा राजकुमार रॉथ को लेकर दिए गए बयान के साथ ही बीजेपी के एक कार्यकर्ता द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद अब सांसद राजकुमार रॉथ की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। राजकुमार रॉथ ने सीधा सीएम भजन लाल शर्मा पर निशाना साधते हुए अपने कार्यकर्ताओं की बोली पर लगाम लगाने की सलाह दी। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को आदिवासियों को लेकर दिए बयान पर भी राजकुमार रॉथ ने दो टूक खरी खोटी सुनाई। हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रस्तावित रेल बाईपास की अधिसूचना को रद्द करने की मांग को लेकर नागरिकों ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर पर धरना दिया। इस दौरान नागरिकों ने कहा कि रेल बाईपास के लिए जिस भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उस पर सैकड़ों मकान बने हुए हैं और हजारों नागरिक वहां पर निवास कर रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि इस अधिसूचना को रद्द करने के लिए वे कोर्ट केस भी जीत चुके हैं, इसके बावजूद फिर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नागरिकों का कहना है कि अगर ये अधिसूचना रद्द नहीं होती है तो आंदोलन करेंगे। डिंपल मीणा हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर पिछले 6 महीनों से शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के बाद बीती रात परिवार के 2 युवक एमआई रोड स्थित टावर पर चढ़ गए थे। आज दोपहर बाद किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे और दोनों ही युवकों से समझाइश की, लेकिन सीबीआई जांच के आश्वासन के बिना युवकों ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा खुद टावर पर चढ़े और दोनों युवकों को नीचे उतारा। इसके साथ ही मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आश्वासन भी दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मामले को लेकर उपचुनाव के बाद वह मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर अस्थायी रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को बड़ी राहत दी है। अदालत ने राजस्थान में खनन संचालन की वैधता को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण के एक आदेश के बाद सबसे बड़ी अदालत का रुख किया था। दरअसल एजेंसी ने प्रदेश की 23,000 खनानों के पट्टों को बंद करने का आदेश दिया था। अधिग्रहण ने पर्यावरण के नियमों की अवहेलना करने के लिए इन खानों के पट्टे रद्द कर दिए थे, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी इस मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। भरतपुर नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को जारी आदेश में कहा है कि ODF सर्टिफिकेशन का दावा करने के लक्ष्य में अब खुले में पेशाब या शौच करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम ने सभी CSI और SI को निर्देश दिए हैं कि शहर में दीवारों और अन्य परिसरों के सारे कहीं भी खुले में पेशाब करने पर 200 रुपए और खुले में शौच करने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाए। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा श्याम की नगरी खाटू पहुंच चुके हैं। आज बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर खाटू नगरी की फिजा पूरी तरीके से बदली हुई नजर आई। बाबा श्याम के दरबार का अलौकिक श्रृंगार किया गया, तो वहीं मुख्य बाजार में प्रतिष्ठानों पर बाबा श्याम के जन्मदिन मनाने के लिए रंग बिरंगे अनेक प्रकार के केक सजाए गए हैं। बाबा श्याम के बर्थडे पर पूरी श्याम नगरी रंग बिरंगी रोशनी और आतिशबाजी से नजर आ रही है। खाटू श्याम नगरी में बीते शाम से ही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जहां मंदिर कमेटी की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया, तो वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की गई। करौली जिले में स्थित आंजनी माता के प्राचीन मंदिर में हर साल देवउठनी एकादशी के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यह मंदिर अपनी अनूठी परंपराओं
और धार्मिक आस्था के कारण श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। त्रिकूट और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पांच नदियों के संगम पर स्थित इस मंदिर में मेले के आयोजन की परंपरा इसके निर्माण के समय से ही चली आ रही है। हर साल देव उठनी एकादशी के दिन माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु सुबह 5 बजे से ही मंदिर पहुंचने शुरू होते हैं, जो सिलसिला रात तक जारी रहता है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर ट्रायल के दौरान देश में बनी हाई स्पीड ट्रेन दौड़ सकती है। बुलेट ट्रेन ट्रैक बनाने का काम तेजी से चल रहा है। BEML को भारत की अपनी बुलेट ट्रेन बनाने का ठेका मिला है। BEML को 8 कोचों वाले 2 ट्रेन सेट बनाने के लिए 867 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया था, जिसमें से प्रत्येक 280 किलोमीटर प्रति घंटे की तक सीमित है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।